क्या गर्भावस्था में व्यायाम करना चाहिए? कुछ माओं को, कुछ स्त्रियों को ये हमेशा ही एक प्रॉब्लम रहती है और उन्हें अपनी फिटनेस की भी फिक्र है, पर साथ में गर्भावस्था के कारण वो चिंता भी बनी रहती है कि ये करना चाहिए या नहीं और उसमें कौन सी सावधानियां हमें अपनानी चाहिए। यदि प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज के जरिए शरीर को हम फिट रख सकते हैं, हमारी भारतीय पद्धति योगासन या जैसे तितली, ऊँट, बिल्ली, बाज, खरगोश जैसे पशु पक्षियों की विभिन्न मुद्राओं पर आधारित योग क्रियाओं का वर्णन है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, पर गर्भावस्था में व्यायाम करने से पूर्व अपने डॉक्टर से संपर्क अवश्य करना ही चाहिए। अगर आप पहली बार कोई फिजिकल एक्टिविटी की शुरुआत कर रही हैं तो 15 मिनट की सैर से ही शुरू करें और बढ़ते बढ़ते इसको 45 मिनट तक बढ़ा लें। जहां तक फायदों का सवाल है, इन नियमित रूप से व्यायाम करने से शरीर में स्फूर्ति तो बनती ही है, आलस्य भी दूर होता है, मांसपेशियों में जोड़ों में कसाव, लचीलापन और ताकत बढ़ती है, कमर दर्द, वेरिकोज वेंस व अन्य बीमारियों से छुटकारा मिलता है। गर्भावस्था में शारीरिक रूप से सक्रिय रहने वाली महिलाओं में रक्तचाप और वजन नियंत्रित रहता है। हर ट्रांसमीटर का अपना व्यायाम प्रोटोकॉल होता ही है, यानी जैसे कि इसमें 9 महीने का समय है तो आपको कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। पहले महीने या प्रथम ट्राइमेस्टर में वर्कआउट रूटीन में इन व्यायाम को शामिल कर सकती हैं, जैसे स्विमिंग, वॉकिंग, स्टेशनरी बाइकिंग, वर्चुअल साइकिलिंग। इसके बाद दूसरे महीने में स्विमिंग तथा वॉकिंग के साथ डाउनवर्ड डॉग, पेल्विक टिल्ट, साइड प्लैंक व्यायाम भी अजमाए जा सकते हैं। तीसरे महीने में गर्भवती महिलाओं का पेट पूरी तरह से बाहर निकल जाता है, ऐसे में जरूरी है कि ऐसी एक्सरसाइज करें जो महिला के पेल्विक एरिया को मजबूत बनाए, जैसे पेल्विक स्ट्रेच, जलीय गर्भावस्था व्यायाम, स्क्वैट्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इन सावधानों को पालन तो करना ही पड़ेगा, जैसे व्यायाम करते समय शरीर में पानी की कमी ना होने पाए, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए दिन में पानी व अन्य सेहत भरे द्रव्य पिए। पहली तिमाही में ज्यादातर महिलाओं को अपनी दैनिक गतिविधियों को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि आप सक्रिय हैं यानी एक्टिव हैं तो पूर्वानुसार दिनचर्या को जारी रखें। अगर आप सक्रिय नहीं हैं यानी कि थोड़े से एक्टिव कम है तो रोजाना 15-30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें। अगर कोई स्त्री गर्भवती है तो और वो पहले सक्रिय नहीं थी तो अचानक तीव्र व अत्यधिक व्यायाम न करने की कोशिश करें। अगर कोई एरोबिक एक्सरसाइज शुरू करती है जैसे कि दौड़ना, तैरना, साइकिल और तो प्रशिक्षक को बताएं कि आप गर्भवती हैं और सप्ताह में 3 या 4 बार 15-30 मिनट से अधिक एक्सरसाइज न करें। व्यायाम से पहले हमेशा वार्म अप करें और बाद में कूल डाउन करना कभी ना भूले। गर्भावस्था में उक्त रक्तचाप व गंभीर एनीमिया वाली महिलाओं को एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए। अस्थमा, हृदय रोग, अनियंत्रित डायबिटीज आदि से पीड़ित होने पर एक्सरसाइज न करें। वजन बिल्डिंग होने पर अथवा बहुत ज्यादा जल्दी थकान होने पर व्यायाम करने की दूरी बना लें। यदि बारंबार गर्भपात या प्री टर्म डिलीवरी का इतिहास है तो महिला की गर्भावस्था ग्रीवा कमजोर है तो व्यायाम नुकसानदेह होगा बल्कि न कि फायदेमंद। इसलिए इन बातों का तो हमेशा अपने ध्यान ही रखें। मल्टीपल प्रेगनेंसी या प्लेस्ट्रो से जुड़ी परेशानियों पर अनिर्देशित व्यायाम गर्भवती महिला व गर्भस्थ शिशु पर बुरा असर डालता है, तो यदि अगर आप गर्भावस्था के समय से गुजर रही हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें और अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें।